नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। पुलिस की मुखबरी के शक में दबंगों ने दो भाइयों को मारी गोली, एक गंभीर। यूपी के कौशाम्बी में मंझनपुर कोतवाली के शहीदाबाद गांव में शुक्रवार की रात दबंगों ने पुलिस की मुखबरी करने के शक में पप्पू व मुस्लिम नाम के दो सगे भाइयों को घर में घुसकर गोली मार दी। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छोटे भाई की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने प्रयागराज के SRN रेफर कर दिया। इन दोनों पर गौ तस्करों की पुलिस से मुखबरी का आरोप है। बड़े भाई ने जान का खतरा बताकर थाने में दबंगों के खिलाफ तहरीर भी दी थी। दबंगों के दो तस्कर साथी प्रतिबंधित मास्क के साथ भी पकड़े गए थे। अभी भी वह जेल में बंद है। इसी रंजिश के कारण उन लोगों ने गोली मारी थी। SSP समर बहादुर ने बताया कि रात में गोली चलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर गई। मुकदमा दर्ज कर घटना की छानबीन की जा रही है। मंझनपुर कोतवाली के नारा चौकी पुलिस को 3 जुलाई को शहीदाबाद गांव के एक घर में गाय काटने की शिकायत मिली थी। गांव पहुंचकर पुलिस ने मुस्लिम नाम के एक व्यक्ति से तस्करों का घर पूछ लिया था। पुलिस ने घर के भीतर से प्रतिबंधित मास्क के साथ दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया था। इस पर तस्कर उससे रंजिश रखने लगे। आरोप है कि तस्करों के साथियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। मुस्लिम ने मंझनपुर कोतवाली में अपनी जान का खतरा बताकर शिकायत भी दर्ज की थी। शुक्रवार की रात को मुस्लिम अपने परिवार के साथ घर पर था तो रात में असलहा से लैस दबंग उसके घर में घुसकर धावा बोल दिए। दबंगों ने उन लोगों को पहले लात घूसों से पीटना शुरू कर दिया। मुस्लिम के भाई पप्पू ने बीच बचाव किया तो एक दबंग ने उसकी पीठ में गोली मार दी। इसके बाद मुस्लिम को भी कंधे में गोली मार दी। घर के सामानों को तोड़ने लगे तो महिलाओं ने विरोध किया। इस पर दबंगों ने उन लोगों को भी पीटा। दहशत फैलाने की नीयत से हवाई फायरिंग की। गोली की आवाज़ सुन ग्रामीण सहम गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पप्पू की हालत गंभीर होने पर उसे प्रयागराज के SRN रेफर कर दिया गया है। दबंग मौके से फरार है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर घटना की छानबीन शुरू कर दी है। आरोपियों के खिलाफ संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। बीती रात थाना क्षेत्र संगमपुर में एक गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसको फोर्स मौके पर गई, अधिकारीगण मौके पर गए और उसको जो भी घटना हुई थी उसके लिए FIR दर्ज कर ली गई है और जो मेडिकल और साक्ष प्राप्त होगा उस हिसाब से अगली कार्रवाई की गई। मास पकड़ा गया था वो रंजिस में थी, पुलिस की खबरी है। उसी में घर पर आए हैं, हमको लाता लात मारा, तोड़ा गाड़ी इधर उधर किया, उसके बाद गोली मारा। कि कौन पकड़ा गया था मास के साथ? गुड्डू लंगड़ा, उससे कहा के लिए। ये कितने तारीख की घटना है? 3 या 4 को। तो आज रात में गोली कैसे क्या हुआ? गोली लोग बोली कि वहाँ मुकदमा लिखा के आया है तू, और हमको पता चला है कि तुमने खबरी की जगह खबर दिया है, और बेटा तू क्या रहेगा, मैं बाहर भाग रहा था इधर उधर, वो लोग आए हैं रात में मेरे लात मार, उसके बाद बीवी को मेरे इधर उधर खींचतान भी बच्चे को कर रहा था बेटी को, और फिर सब लोग भागने लगे तो मुझे गोली मारा सका मेरा भाई को सुना कि मेरे भाई गोली मारा तो मेरा भाई भागा, उसके बाद कुर्सी ने मार दिया। अब्दुल गनी बोला मार मामा, तो अब्दुल गनी कुर्सी ने गोली मारा। क्या मुखबिर के उसमें जो है गोली मार? मुखबिर को उसमें पुलिस का खबरी है, पुलिस से बताता है। अपना नाम बता दीजिए।